Hi everyone, welcome to the video. So in this video we'll be making a beautiful computer vision project, a very easy project. 10 minute mein khatam karenge video ko. And project kya hai ki ek normal image se hame watercolor art banani hai using only OpenCV, no machine learning, no nothing, just computer vision principles. Okay, so abhi hum log pehle samajh lenge ki kya cheez hum log kaise karne wale hain, uske baad bilateral filtering samajh lenge, sab kuch pure maths tak main samjhaunga. Video ko pura end tak dekhna, theek hai? Bilateral filtering bahut important hai, iska maths bhi main bataunga, Gaussian bhi explain करूंगा. ऑल राइट, सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना एंड अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो हाउ डू वी प्लान अवर आर्ट, मतलब हमारी जो आर्ट एंड में बनने जा रही है वो कैसे बनेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला स्टेप, इनपुट इमेज एंड रिसाइज इट. एक जो इमेज है उसे, अब देखो तुम कोई कर्नल अप्लाई कर रहे हो, मान लो 3x3 का कर्नल अप्लाई कर रहे हो, 3x3 का कर्नल 1000x1000 की इमेज पे अप्लाई हो या 3x3 का कर्नल 500x500 की इमेज पे अप्लाई हो, तो डिफरेंट रिजल्ट देगा. ठीक है, तो हमें उस हिसाब से इमेज को रिसाइज करके रखना है कि हमारी एल्गोरिदम हर एक इमेज पर वर्क करे. ठीक है, सो एक अंदाजे से रिसाइज कर लेना है. सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, क्लियर द इंप्योरिटीज. इंप्योरिटीज क्या होती हैं, मान लो एक पिक्सल है, उसके पास में दूसरा कोई कलर आ गया, उसके इधर मान लो सेम कलर है, उसके मतलब बीच बीच में थोड़े थोड़े दाग धब्बे वगैरह, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं हम, यूजिंग मीडियन फिल्टरिंग, यूजिंग एज ब्लरिंग, ये सारी चीजें कर करके हम लोग इंप्योरिटीज रिमूव कर देते हैं. अभी जो आर्ट हम बना रहे हैं स्पेसिफिकली इस केस के लिए मैं बता रहा हूं. ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, अप्लाई फिल्टरिंग. इसमें क्या है कि हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट है हमें वो क्रिएट करना है, कैसे भी, कौन से OpenCV फंक्शंस यूज होंगे, गॉसियन यूज करना है, कौन सा यूज करना है, बायलेटरल फिल्टरिंग यूज करना है, सारा कुछ हम इसमें अभी स्टडी करेंगे. अभी कोड पर आ रहा हूं मैं जस्ट. एंड एट द लास्ट जो फोर्थ स्टेप है उसमें टर्निंग इन टू द आर्ट एंड ट्यूनिंग इट. ट्यूनिंग इट क्या होता है, हमारा आर्ट तो बन गया, उसके बाद मान लो हमारा आर्ट ब्लर बना है तो उसे शार्प कैसे करना है, उसे डिहेज कैसे करना है, उसमें मान लो कलर्स थोड़े कम आ रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट कैसे एनहांस करना है, सारी चीजें अभी हम देखेंगे. ओके, सो नाउ फाइनली मूविंग ओवर टू द कोड. अभी आपके सामने ये सारा कोड लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज ना समझ में आए जस्ट फॉलो डाउन माय OpenCV सीरीज, सारा कुछ हिंदी में बहुत बेटर एक्सप्लेन्ड है, सारा मैथ्स एक्सप्लेन्ड है, हर एक फंक्शन समझ में आ जाएगा. ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा हो तो. सो फिक्सिंग द इम्पोर्ट, CV2 और NumPy सिर्फ दो इम्पोर्ट्स हैं, दोनों को इम्पोर्ट करना मैंने बताया अपने सीरीज में. फेज वन मैंने क्या कहा था, इनपुट इमेज ली यहां पर एंड फाइनली इसे हमने रिसाइज करी, CV2.resize फंक्शन. फिर से अगर तुम्हें देखना है तो CV2.resize फंक्शन में मैं दिखा देता हूं. यहां पे आ जाता है सोर्स, हमारी क्या है, यहां पर मैंने दी हुई इमेज जो रीड हुई है. डी साइज, मुझे साइज नहीं देना है, मुझे बस आपको ये बताना है कि भाई इतने गुना उसे रिसाइज कर दो. तो यहां पर तो मैंने अभी एक ही लिखा है, अभी मैं दिखाऊंगा उसे आधा भी करूंगा और उसे डेढ़ गुना भी करूंगा. तीन इमेजेस पे हम लोग आर्ट टेस्ट करेंगे अपनी. ठीक है, ये हमारा फेज वन कंप्लीट हो गया. अभी फेज टू पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना गाइस. फेज टू क्या था हमारा, इमेज की इंप्योरिटीज क्लीन करना. मैंने अपनी लेक्चर 17th में बताया था कि इमेज की जब इंप्योरिटीज क्लीन करते हैं तो हम किससे करते हैं, मीडियन ब्लरिंग फंक्शन से करते हैं या फिर मान लो बायलेटरल ब्लरिंग से करते हैं, लेकिन बायलेटरल हम लोग बाद में यूज करेंगे. इसमें हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक तो है मीडियन ब्लर क्या करेगा, उन सारे जितने की मैट्रिक्स है उन सारे पिक्सल्स में से जो मीडियन वैल्यू होगी उसे उठाकर सेंटर पर डाल देगा. ठीक है, मैथमेटिक्स समझो, सिर्फ लगाना मत सीखो फिल्टर, बाद में तुम लोग कमेंट करते हो कि भाई प्रॉब्लम आ रही है. उस एरिया के जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका मीडियन सेंटर से रिप्लेस कर देगा. मैंने तीन बार एक ही इमेज को तीन बार मीडियन ब्लर कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को आर्ट में कन्वर्ट करना है और आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत फिल्टर्ड इमेज चाहिए होती है. ठीक है, उसके बाद एक फिल्टर आता है, एज प्रिजर्विंग फिल्टर. ऑलराइट, एज प्रिजर्विंग फिल्टर क्या होता है, एक OpenCV की एल्गोरिदम है जो कि इमेज को थोड़ा सा कॉन्स्टेंट कर देती है. जैसे यहां पर जो कलर वेरिएशन आ रहे हैं आप मेरी इमेज में देख रहे हो, पीछे बैकग्राउंड पे कलर वेरिएशन आ रहे हैं, इसे ये एक कलर में तब्दील कर देगी. ठीक है, सिग्मा एस क्या है, सिग्मा एस वो डेविएशन है जितनी एक्सटेंट तक सारे कलर्स को वो मिला देगी. बस ये समझो कि जितना ये सिग्मा ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा कलर्स आपस में मिल जाएंगे, उतनी ब्लरी इमेज हो जाएगी. मैंने छोटा रखा है सिग्मा, एज प्रिजर्विंग फिल्टर का मैंने आउटपुट ले लिया है. हमारा फेज टू यहां पर क्लियर हो गई इमेज. अभी मैं तीनों आउटपुट्स आपको दिखाऊंगा, क्लियर इमेज, कार्टनाइज्ड इमेज, ये सारी चीजें दिखाऊंगा. ठीक है, अब आता है हमारा मेन फेज और सबसे बड़ा फेज, फेज थ्री. अभी हम लोग लाएंगे बायलेटरल इमेज फिल्टरिंग. सो अभी बायलेटरल इमेज फिल्टरिंग, पहले बायलेटरल फिल्टर समझ लेते हैं कि क्या फिल्टर, बायलेटरल क्यों लगा रहे हैं यहां पर हम लोग वाटर आर्ट में. सो अभी आपके सामने इमेज दी हुई है, एक इमेज आ रही है आपके सामने. ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम लोग नॉर्मल गॉसियन ब्लरिंग लगा देते, वाटर आर्ट बनाना क्या हुआ, आर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी पिक्सल्स जिस रीजन में आ रहे हैं उसे सेम कलर के कर देने, बस.
अब अगर हम गॉसियन ब्लरिंग लगाते तो आप इनपुट देखो और आउटपुट देखो, क्यों? क्योंकि आप जो सारे कर्नल्स देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट्स है ये गॉसियन कर्नल होता है, गॉसियन कर्नल की ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। सेम गॉसियन कर्नल लगा के इमेज ब्लर हो गई, लेकिन अभी आप दूसरा ये जो इमेज देख रहे हो यहां पर क्या है, ये बाइलेटरल फिल्टर है। बाइलेटरल फिल्टर में गॉसियन स्पेस के साथ साथ गॉसियन इंटेंसिटी भी कंसिडर होती है, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है कि आप सेकंड, जब इमेज से तीन रीजन हमने सेलेक्ट करे, सेकंड वाले रीजन में देखो जो कर्नल लग रहा है उसमें वही वैल्यूज कंसिडर हो रही हैं जो सेम इंटेंसिटी की हैं। व्हाइट वाली इंटेंसिटी का ही कर्नल कंसिडर हो रहा है, बाकी दूसरा पार्ट कर्नल का गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमें दूसरा पार्ट कंसिडर नहीं करना, और इमेज देखो ब्लर भी आई है और एजेस भी उसकी प्रिजर्व्ड है, ठीक है? तो ये होती है क्लियरिंग ऑफ एन इमेज। हम लोग ये बायलेटरल फिल्टर यूज करेंगे। ध्यान रखना कि इंटेंसिटी प्लस स्पेस दोनों गॉसियंस को इसमें कंसिडर करा जाता है, और सिर्फ गॉसियन वाले में सिर्फ स्पेस को कंसिडर करा जाता है। दैट्स इट। ओके, सो अभी इसे एग्जिट करते हैं एंड दोबारा से कोड पर चल के ये आ गया। सो बायलेटरल फिल्टर, यहां पे मैंने बार बार बायलेटरल फिल्टरिंग लगी है। बायलेटरल फिल्टर जितनी बार लगाओगे उतना ज्यादा इमेज कार्टनाइज्ड और इमेज वाटर आर्ट में कन्वर्टेड लगेगी। वाटर आर्ट में हम लोगों ने करा है बिकॉज हमने सबसे ऊपर ये एज प्रिजर्विंग लगा दिया। अगर एज प्रिजर्विंग नहीं लगाते तो ये कार्टनाइज्ड बन जाती थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ा बहुत अपने आप टेस्ट कर लेना। सो दो बार मैंने ये अलग लूप चलाया है कि 3x3 के साथ। अगर आपको फंक्शन का यूज देखना है तो cv2.bilateral फिल्टर लगा दिया। सोर्स मैंने इमेज दी है, डी इज द डायमीटर, जहां तक मुझे पिक्सल्स कंसीडर करने, मैंने तीन ही कंसीडर करा क्योंकि ज्यादा बड़ी इमेज के लिए मैं बहुत कंसीडर कर लेता, लेकिन मैं इमेज को स्केल करूंगा। सिग्मा कलर कि कितने एक्सटेंट तक कलरों को मिला देना है, मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा। पहले 10 करूंगा, फिर 20 करूंगा, फिर 30 करूंगा, ठीक है? मेरे का क्यों ये एल्गोरिथम? क्योंकि मुझे वाटर आर्ट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं एकदम से लगा देता सारे तो ये कार्टनाइज्ड हो जाता, ठीक है? यहां पर मैंने बायलेटरल फिल्टरिंग यूज कर ली। ओके, सो अभी चलते हैं लास्ट स्टेप पे, दैट इज ट्यूनिंग द इमेज। ट्यूनिंग द इमेज, बायलेटरल फिल्टर लगाने के बाद इमेज क्या होती है, हल्की सी ब्लरिश सी हो जाती है। एज प्रिजर्व रहती है लेकिन ब्लरिश हो जाती है। ब्लरी मैंने आपको लास्ट उसमें लेक्चर में सिखाया था कि आपको इमेज शार्प कैसे करनी है। इमेज शार्प करने के लिए क्या करा, सिंपल एक गॉसियन ब्लर का मैंने एक गॉसियन ब्लर ले लिया सेम इमेज का, और उसी इमेज में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। यहां पर मैंने क्या करा है, थोड़ा सा इसमें मैंने गामा ऐड करा है। अगर आपको अल्फा बीटा और गामा नहीं पता है, ये जो एडवेटेड होता है, ये cv2.addWeighted, ये जो अल्फा बीटा गामा सोर्स वन सोर्स टू, अगर ये नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख लो जाके, उसमें मैंने पूरा बताया सारे ऑपरेशंस के बारे में। लेक्चर 17 होगा, जस्ट इससे पीछे वाला लेक्चर है, इसे पूरा देख लेना जाके, ठीक है? ये सबको समझ में आ जाएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लास्ट स्टेप था, हमने इमेज को शार्प कर दिया। अभी हम दो तीन इमेजेस पर अपने फटाफट से रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसे मैंने सेव कर दिया एंड अभी इसे रन कर लेते हैं। ओके सॉरी, या सो क्लियर, पाइथन 3 एंड स्क्रिप्ट का नाम है पिकार्ट। सो यहां पर देखो, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ये हमारी क्लियर विद इंप्योरिटीज। आप देख रहे हो ना फर्क, इसमें कितनी छिछर छिछर के पिक्सल्स आ रहे हैं, मतलब जो वैल्यूज हैं वो कितनी रैपिडली चेंज हो रही हैं। बट यहां पर जो है वैल्यूज कितनी प्लेन हो गई हैं, मतलब कितनी एक जैसे कहते हैं ना सूदिंग स्मूथ इमेज बन गई है। एंड फाइनली हमारे पास ये आ गई हमारी वाटर आर्ट। मैंने बोला था ना बिल्कुल वाटर आर्ट में, ये देखो यहां पर देखो, ट्री को देखो, ऑब्जर्व करो, लेक को ऑब्जर्व करो, बिल्कुल वाटर आर्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा हमारा, मैंने सारी इमेजेस सारा कोड दे रखा है नीचे लिंक में, गिटहब पे जाना, फॉलो कर देना, तुम लोगों को अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। इसके अपार्ट जो भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ना, सारे मैं गिटहब पे डाल देता हूँ, ठीक है? सो ये हमारी टेस्ट वन। आज इस इमेज में क्या है, मैंने थोड़ी सी छोटी इमेज ली थी तो यहाँ पर देखो मैंने स्केलिंग यूज करके तुम्हें दिखा दी, 1.5 से मैंने स्केल कर दिया जिससे कि इतनी ही बड़ी रहे इमेज। ओके, दिस इज ओरिजिनल इमेज, इसकी क्लियर इंप्योरिटीज देख लो, कितनी स्मूथ इमेज बन गई, कितनी स्मूथ, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे पुराने नाटक आते थे जो मतलब बच्चों के होते थे, शॉन द शीप वगैरह, वैसी स्मूथ इमेज बन गई। ये आ गई हमारे पास फाइनल इमेज, लग रहा है ना बिल्कुल वाटर कलर आर्ट, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है? अभी लास्ट में हम लोग एक एक्टर की किसी की इमेज ले लेते हैं, दैट इज फेस इमेज ले लेते हैं। फेस इमेज पे वर्क करना वैसे तो बहुत टफ होता है, लेकिन इस ये एल्गोरिथम हमने ऐसी बनाई है कि फेस इमेज पे भी वर्क कर जाएगी। सो इसे भी थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, 0.5 कर देते हैं। मैंने कहा था कि पहले डेढ़ गुना करूंगा फिर आधा कर दूंगा, सो मैंने आधा कर लिया अभी इमेज को। एंड एट द लास्ट हमारा ये देखो, ये
एक इमेज है, ये इसकी क्लियर्ड इमेज है ह्यूमन फेस की, एंड फाइनली ये वाटर कलर आउटपुट है. सो हाउ ब्यूटिफुल द आउटपुट इज, कितना ब्यूटिफुल और स्लीक आउटपुट आ रहा है. सो अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि सेम कॉपी कर दिया फिर इमेजेस पे वर्क नहीं कर रहा है, इसे ट्यून करो, इसे ट्यून करो. यहां पर देखो मैंने नीचे कमेंट आउट कर रखा है, क्यों? क्योंकि इसे ट्यून करना है आपको, आपको चेक करना है कि कैसे और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है. एंड वॉट एवर द डाउट्स कमेंट डाउन और इंस्टाग्राम कर दो मेरे को, मैं समझ जाऊंगा सारी चीजें, आपका डाउट रिजोल्व कर सकूंगा इफ पॉसिबल, ठीक है. सो थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब नहीं कराओ तो कर देना. ऑलराइट.